बाइल्स मतलब ही बवासीर काफ़ी कॉमन डिजीज़ है। 20% लोगों में ये बीमारी दिख के आती है। बवासीर में जो गुदद्वार की नसें रहती है वो फूक जाती है और उसमें कभी कभी पेशेंट्स को ब्लीडिंग होता है, बर्निंग होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। हर घर में एक मरीज होने की संभावना है। अगर इनिशियल स्टेज में ये बीमारी का जांच हो जाता है तो ये बीमारी दवाई से ठीक हो सकती है। हीलिंग हैंड्स क्लिनिक में कुछ स्पेशल इनोवेटेड हर्बल मेडिसिन है जिससे हम मरीज को ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में दवाई से ही ठीक कर देते हैं। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में मरीज को एकाध ड्रॉप ब्लीडिंग होना है या हल्का सा बर्निंग है या हल्का सा डिस्कम्फर्ट रहता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस स्टेज में पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और अपना निदान करके ले। पाइल्स, फिशर, फिशुला एंड कॉन्स्टिपेशन आर द डिजीजेस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। विद अ विजन ऑफ क्यूरिंग विद केयर वी प्रोवाइड होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर दिस डिजीजेस। वी ट्रीट पाइल्स ग्रेड वाइज। इफ इट इज ग्रेड 1 और ग्रेड 2 we treat them with herbal medications which is our own innovation. For grade 3 we have introduced laser hemoradoplasty as a treatment of choice for the first time in Asia, and for grade 4 we have treatment option like stapler surgery wherein we have highest series in the world. That is where Healing Hands Clinic stands. Main khane ka bahut shaukeen hu kyunki kidhar bhi kuch bhi khane gaya to mujhe problem hota tha, mirchi kha liya to problem ho jata tha, mujhe piles ka bahut problem tha. तो एक दिन मैं अश्विन पोरल साहब के पास आया, डॉक्टर साहब के पास, और उनको दिखाया। लेज़र ऑपरेशन होने के बाद आई एम हैप्पी विद इट और मैं एकदम खुश हूँ वो चीज़ से। ऑन डिस्चार्ज पेशेंट इज प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस फॉर 2 वीक्स फॉर माइल्ड पेन, डिस्कम्फर्ट। ऑल दिस थिंग्स आर एक्सपेक्टेड एंड हैपन्स विद ऑल द पेशेंट्स। वी ऑल्सो गिव एंटीबायोटिक्स फॉर 5 to 7 days। पेशेंट इज ऑल्सो गिवन लैक्सेटिव सो दैट स्टूल्स आर पास्ड ईजिली फॉर नेक्स्ट 5 to 10 days। First follow-up is usually on 5th day and second follow-up is at the end of 2 weeks. I usually recommend my patient to join office from 3rd or 4th day. It is important to join work because this is the most sensitive part of the body. If the patient takes undue rest at home, most of the time the attention is diverted towards the surgical site and they may have false sensations of passing stools again and again,